हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना महामारी को मात देने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान किया है। चौथे चरण में कई नियमों के साथ ढील दी गई है। हालांकि इस छूट के बावजूद भी लोगों ने नियमों का उल्लंघन करना बंद नहीं किया। हिसार में बाजारों में आवागमन चरम पर है। बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। लोगों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि प्रदेश में लॉकडाउन है। इस दौरान लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिख रहे हैं, न धारा 144 का। बाजारों में घूमने के दौरान ज्यादातर लोग बिना मास्क ही दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन का डर नहीं नजर आ रहा है। कोरोना के खिलाफ अपनी जिम्मेदारी लोगों को निभानी चाहिए। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, हिसार की ये जो तस्वीरें आपने भेजी है, जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं लोग? अगर हम सबसे लॉकडाउन की बात करें तो जिस प्रकार से चौथा चरण शुरू हुआ है, लेकिन लोग है अभी भी कहीं कहीं सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बाजारों में दुकानें खुली हैं, लेकिन दुकानों के सामने भी हम देख सकते हैं जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंस की बात की जानी चाहिए थी या नियमों का पालन किया जाना चाहिए था, इस प्रकार का कोई नियम का पालन यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। हमने देखा आपके पीछे अभी एक युवक स्कूटी स्टार्ट करके गया और उसने भी मास्क नहीं लगा रखा था। मास्क लगा रहे हैं लोग वहाँ? जी बिल्कुल नहीं। काफी सारे अभी हमने जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले बैंकों में जाकर के देखा, काफी भीड़ लगी हुई थी। वहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बगैर मास्क के घूम रहे थे। यहाँ तक कि मास्क के अलावा जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि आप साफ कपड़ा या अपने गमछे से भी अपना मुंह ढाप के रख सकते हैं, तो इस प्रकार की कोई भी यहाँ पर नहीं देखने को मिला कि लोग नियमों का पालन कर रहे हों। तो क्या प्रशासन अपनी तरफ से प्रशासन ने पूरी तरह से ढील दे दी है, या बैंक के बाहर अगर लाइन है तो बैंक के क्या कर्मचारी सिक्योरिटी में लगे लोग उनको समझा नहीं रहे हैं, कारण क्या है? गौरव जी, बैंकों के सामने जब हरियाणा न्यूज की टीम ने दौरा किया और देखा, वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, लेकिन लोगों किसी तरह से भी मानने को तैयार नहीं है और प्रशासन सख्ती नहीं बरत रहा है। तो दोनों में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि या तो प्रशासन को अभी भी सख्ती बरतने की जरूरत है, या फिर लोग स्वयं जागरूक हो जाए और समझें कि कोरोना महामारी है और अभी भी इससे डरने की जरूरत है, इससे लड़ने की जरूरत है, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अनूप हमारे संवाददाता सार से बता रहे थे कि क्या हालात हैं।